आज हम आपको बताते हैं इस वीडियो में रीजनरेशन के बारे में बताएंगे। बहुत से लोगों को क्या होता है रीजनरेशन के बारे में नहीं पता होता है। तो जब आपकी स्क्रीन पे इस तरीके का सिंबल आने लगे और गाड़ी बन के आने लगे तो आपको जो है गाड़ी को रीजनरेशन करना पड़ेगा। रीजनरेशन हम गाड़ी में क्यों करते हैं? जो हमारा साइलेंसर होता है, जब उसके अंदर कार्बन बहुत मात्रा में जब जमने लगता है तो उस कार्बन को साफ करने के लिए हम गाड़ी में रीजनरेशन लगाते हैं। तो आज रीजनरेशन कैसे लगाया जाएगा हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। तो सबसे पहले तो हमारी जो गाड़ी होना चाहिए वो गर्म होना चाहिए, 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म होना चाहिए और फ्यूल लेवल जो है लो से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। और जो ये ऊपर जो हैंड ब्रेक का सिंबल आ रहा है ये आना चाहिए, हैंड ब्रेक जो है ऑन होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा जो डैशबोर्ड में जो ग्रीन कलर का ये स्विच है, इस स्विच को हमें किस तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं अगर ये स्विच को जो है सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो रीजनरेशन नहीं लगेगा। तो क्या है, ये स्विच को हमें 3 सेकंड के लिए दबाना है और दबा के जो है इसे छोड़ देना है। तो जब आप 3 सेकंड के लिए जब वो स्विच दबाएंगे तब आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का जो है आपको देखने को मिलेगा। ये साइलेंसर जो है स्टार्ट हो गया है साफ होना और इसमें ये लिखा है रीजन इन प्रोसेस। अब जो ये हमारा जो आरपीएम मीटर है ये ऑटोमेटिकली जो है ना ये 5 से 20 पे चला जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली, और गाड़ी हमारी जो है हल्के हल्के और गर्म होती रहेगी। और ये लगभग कम से कम 50 से 45 मिनट तक का वक्त लेगा जब ये आरपीएम अपने आप ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आ जाएगा 5 पे। तो समझ लेना हमारा जो है रीजनरेशन जो है कंप्लीट हो गया है। और गाड़ी का जो है हैंड ब्रेक हमें नहीं हटाना है, हैंड ब्रेक गाड़ी का लगा रहने देना, गाड़ी को रोक लेना है साइड में करके और तब ये करना है। अगर ये लाइट अगर आप हटा दोगे तो ये जो है फेल्ड हो जाएगा, रीजन जो है ना फेल्ड हो जाएगा जो है। और इसी तरीके से बस ये जो है आरपीएम 20 पे अपने 2000 आरपीएम पे जो है गाड़ी 45 मिनट तक स्टार्ट रहेगी। गाड़ी का एक्सीलेटर पेडल को प्रेस नहीं करना, दबाना नहीं है और ना ब्रेक ना गियर वेयर से कोई छेड़खानी नहीं करना है गाड़ी को रोक के। और गाड़ी कुछ ऐसी जगह पे रोकना है जहाँ पे मार्केट वगैरह एरिया ना हो, क्योंकि जब साइलेंसर साफ होगा तो उसमें से बहुत जो है हीटिंग होगी और बहुत जो है अलग तरीके की गैस निकलेगी, बदबू आएगी। तो जो है कभी भी अगर साइलेंसर को साफ करना है गाड़ी के तो हमेशा जो है खुले एरिया में, मतलब सिटी वगैरह एरिया में इसे नहीं करना है, हाईवे पे या किसी ढाबे पे लगा के साइड में पार्क करके पार्किंग वाली जगह में जो है इसे करना है। तो बस यही होता है, क्योंकि इस वजह से ड्राइवर को, कुछ लोगों को पता नहीं होता रीजनरेशन कैसे होगा तो वो लोग वर्कशॉप जाते हैं रीजनरेशन लगवाने। तो इससे ये अगर आप सफ़ा करते रहेंगे तो जो है आपकी गाड़ी एवरेज माइलेज सब निकालेगी। और जब ये रीजनरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा रीजन कंप्लीट मूव द गाड़ी, मतलब अब जो है आप जो है रीजनरेशन जो आपका जो था वो कंप्लीट हो गया है और अब जो है आप गाड़ी को जो है चला सकते हैं। और ये देखिए आरपीएम जो है अपनी जगह पे वापस आ गया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था बस, और आप कमेंट करके बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल जाए रीजनरेशन गाड़ी में कैसे लगाना है। बाकी और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ऐसी और जानकारी लेके। बस आज की वीडियो में इतना ही था।